दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिंद्रा के एक और शानदार कमर्शियल वाहन महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस के बारे में, जिसके ऊपर आपको अभी दिवाली के समय पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले गाड़ी के अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों महिंद्रा बोलेरो एक ऐसा वाहन है जिसका इस्तेमाल आप शहर, गाँव, मोहल्ले, कहीं पर भी आप अपने बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महिंद्रा बोलेरो आपको 1200 kg, 1300 kg, 1700 kg तीन तरह के वाहन क्षमता यानी कि पेलोड क्षमता के साथ में ये गाड़ियां आती हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के साथ में आपको यहां पर मिलता है 1200 kg का रेटेड पेलोड, जिसके अंदर आपको लगभग 1.5 टन तक का माल ले जाने की क्षमता, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन आप लेकर के आसानी से जा सकते हैं। सामने की अगर हम लुक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी और चौड़ी हेलोजन क्लियर लेंस हेडलैम्प के साथ में आने वाली हेडलाइट मिलती है। इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने के लिए। सिग्नेचर आपको ग्रिल मिलती है महिंद्रा की, महिंद्रा का लोगो मिलेगा और यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार इसके अंदर जो है ये स्टील मटेरियल का ही है, काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, फॉग लैंप आप लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फ्रंट फेशिया के साथ में आती है महिंद्रा बोलेरो। अभी नई गाड़ियों के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर फास्टैग वगैरह भी जो है कंपनी के द्वारा मिल ही जाता है। दो वाइपर मिलेंगे क्लीन करने के लिए इसके विंडशील्ड को, और यहाँ पर साइड में आपको इसके अंदर रियर साइड व्यू मिरर मिलते हैं जिसको कि आपको मैनुअल एडजस्ट करना होता है। टायर्स की बात करें दोस्तों, तो महिंद्रा बोलेरो के साथ में आपको 15 इंची के टायर मिलते हैं, स्टील व्हील रिम के साथ में आएंगे। सीएट के टायर फिलहाल लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलती है महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस पावर स्टीयरिंग के साथ में ये वेरिएंट अवेलेबल है, तो उसकी भी आपको स्टिकर ग्राफिंग यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाती है। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर भी मिलेगा, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर एंट्री लेनी होती है। तो कुछ इस तरह से आपका डोर ओपन होता है, ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर फुट स्टेप मिल जाता है जिससे कि आप इजीली एंट्री ले पाते हैं। और गाड़ी के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है दो लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, एक ड्राइवर और एक ड्राइवर का साथी, यानी कि दो लोग जो है यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हैं। आप अपनी सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आपका पार्किंग ब्रेक जो है वो भी यहीं पर दिया गया है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको कुछ कंट्रोल स्विचेज मिलते हैं देखने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, और गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अंदर पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा महिंद्रा का लोगो, और इस तरह का हॉर्न मिलेगा, सिल्वर फिनिश डाली गई है कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलता है इसके अंदर आने वाला इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, कुछ इस तरह से ये जो है आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर है, ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपको बैटरी और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाएंगी देखने के लिए। और ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें फ्रंट फेशिया देखने के लिए मिलता है इसके डैशबोर्ड का, जहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम लगाना है उसकी जगह है, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा इसके अंदर आने वाला ग्लोव बॉक्स, ये आपको मिल जाता है हैंडल, और बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल यूज़ आपको इस गाड़ी का करना है, इसलिए गाड़ी के अंदर आपको लग्जरी की अगर बात की जाए तो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए वैसे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में आपको ये जो है गाड़ी मिल जाती है। ये आपको मिलती है को पैसेंजर साइड की सीट, और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वगैरह मिली जाती है सेफ्टी के लिए। ऊपर आपको एक लाइट मिलेगी केबिन को रोशन करने के लिए। सनवाइजर आपको दोनों ही साइड में देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। बीच में आपको IIRVM भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही दोस्तों आपकी पानी की बॉटल वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पर आपको बीच की साइड में जगह दी गई है, आप यहाँ पर पानी की बॉटल वगैरह भी रख सकते हैं। आपको ये जैक वगैरह रखने के लिए भी जगह दी गई है, और पीछे की साइड में आपको यहाँ पर जो है एक विंडो भी दिया गया है जिससे कि आप अपने पीछे वाले सामान के ऊपर आसानी से निगाह बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह का है इसका केबिन और इसका इंटीरियर, काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पर जो है स्पेस मिलता है देखने के लिए। और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है महिंद्रा बोलेरो, जिसका आपको जो है ये गियर नॉब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का है इसका इंटीरियर और इसका लेग स्पेस। चलिए दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो के साथ में मिलने वाली कार्गो बॉडी की। अगर हम इसकी कार्गो बॉडी की बात करें दोस्तों, तो आप इसको केबिन विद चेसिस भी लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। कंपनी फिटेड अगर आपको इसको कार्गो बॉडी के साथ में लेना है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रावधान अवेलेबल होता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 8.25 फीट के आसपास इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई मिलती है आपको यहाँ पर 5.25 फीट के आसपास की, जिसके अंदर आप लगभग 1.5 टन तक का माल लेके जा सकते हैं। पीछे दोस्तों आपको सेफ्टी के लिए यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को जब रिवर्स करते हैं तो इजी हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको बीप साउंड मिलेगा सुनाई देखने के लिए। यहाँ पर आपको सोमिया व्हीकल का नंबर मिलता है देखने के लिए, यहाँ पर आप कॉल करके गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है रेड कलर का, जिससे कि नाइट के समय में आपकी विजिबिलिटी अच्छी खासी बनी रहती है। आपका स्पेयर व्हील मिलता है यहाँ पर। यह आपको कमर्शियली वाहन कमर्शियली इसका यूज करना है तो येलो कलर की जो प्लेट है कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर करके ऑलरेडी दी जाती है। तो इस तरह का है गाड़ी का पीछे का लुक। गाड़ी के साथ में दोस्तों आपको यहां पर 45 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी कि यहां पर आपको
डीजल टैंक मिलता है 45 लीटर का। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम महिंद्रा बोलेरो के साथ में आने वाले इंजन की। दोस्तों यहां पर आपको BS6 टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन मिलता है जो कि 2523 सीसी का है। इस इंजन से अगर हम पावर की बात करें तो 65 HP का पावर और 195 Nm का बेहतरीन टॉर्क हमें मिल जाता है। दोस्तों इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर LNT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे हमें यहाँ पर यूरिया वगैरह डालने का कोई एक्स्ट्रा खर्चा इस गाड़ी के साथ में नहीं उठाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमरॉन की बैटरी लगी हुई है और काफ़ी व्यवस्थित जो है यहाँ पर आपको ये इंजन इस गाड़ी के साथ में यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों अब गाड़ी के अगर हम माइलेज की बात करें तो कंपनी तो क्लेम करती है कि इस गाड़ी के साथ में आपको 17-18 तक का माइलेज मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल माइलेज की बात करें तो 15-16 तक का माइलेज आपको इजीली मिल पाता है। तो ये था दोस्तों इसका इंजन। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसकी कीमतों के बारे में। 8,43,000 रुपये के ऑन रोड प्राइसेस में आप इसको इंदौर शहर में सौम्या व्हीकल से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर आपको 5,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा जिसके लिए आपको यहां पर आकर के विजिट करना होगा और इस गाड़ी को ख़रीदना होगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।